क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री फाइनल्स में आपका ये चैप्टर आना है, और इसके पहले जो हमने आयरन स्मेल्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था वो भी आना है। ये दो तो आने ही हैं, इसके अलावा और भी आ सकता है, पर ये आना है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आयरन स्मेल्टर्स वाला चैप्टर देख के आए हैं, अब हम कौन सा देख रहे हैं, चैप्टर 8 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स की वजह से किन किन ने सफ़र किया, मतलब चैप्टर 2 चैप्टर 3 में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राजा थे जो यहाँ के नवाब थे, उन्होंने सफ़र किया, कैसे सफ़र किया, मर गए वो, लड़ते लड़ते मर गए, अपनी जो टेरिटरी थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे वो राज कर रहे थे, उसको खो दिया। पीजेंट्स किसान वगैरह थे, और जो ट्राइबल पीपल थे जो कहाँ पे रहते थे, जंगलों में, ठीक है, जिनको मार्जिनलाइज किया जाता था, उन्होंने सफ़र किया, पीजेंट ने सफ़र किया। पिछले चैप्टर में देखा आयरन स्मेल्टर्स ने सफ़र किया, वीवर्स ने सफ़र किया। तब ब्रिटिशर्स की वजह से सब ने, मतलब ब्रिटिशर्स का एक अच्छा खासा निगेटिव इम्पेक्ट रहा हम पर, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों पर तो फ़र्क पड़ा ही, राजाओं पे, नवाब पे, पीजेंट्स पे, ट्राइब्स पे, वर्कर्स पे, वीवर्स पे, आयरन स्मेल्टर्स, इन सब पर तो फ़र्क पड़ा, पर एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा ब्रिटिशर्स के आने का, एजुकेशन में ऐसा क्या इम्पेक्ट हुआ ब्रिटिशर्स ने के आने से, ठीक है। तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन दी अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वॉन्टेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्केस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वॉन्टेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्केस्ट, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जगह पर तो कब्जा किया ही था, ठीक है, रेवेन्यू पर भी कब्जा किया था, एक ज़मींदारी सिस्टम चलता था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार्स को बोला जाता था इंडियन पीजेंट्स से, किसानों से टैक्स कलेक्ट करके दो, जितनी भी उनकी फसल की पैदावार हो रही है उस हिसाब से, ठीक है। तो रेवेन्यू तो उनको यहाँ से मिल ही रहा था। टेरिटोरियल कॉन्केस्ट, कॉन्केस्ट मतलब होता है कब्जा करना, उन्होंने यहाँ के लैंड पर तो कब्जा कर ही लिया था। साथ ही साथ वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ जो है ना वो भी यहाँ पर फैला दें। ऐसा हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो जितने भी इंडियंस हैं उनका ना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बना दिया जाए, उनको जो भी एजुकेशन है उनके एजुकेशन हम लोग ऑप्ट करें, मतलब जो उनके कल्चरल से कल्चर है, ठीक है, ट्रेडिशंस हैं वो ओवरराइड करें हमारे कल्चर्स को, हम अपने कल्चर्स फॉलो करना छोड़ के उनके कल्चर्स फॉलो करें, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंजेस देयर कस्टम एंड वैल्यूज़। वो ऐसा सोचते थे कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों का जो कल्चर है बहुत ही पुराना है, रूढ़ीवादी, मतलब बहुत पुराना और ठीक ठाक नहीं है, तो वो लोग क्या चाहते थे कि हम लोग इनके कल्चर को समझें, देखें, और फिर इनका कल्चर, एक होता है ना कि हमारे कल्चर ये लोग ऑप्ट करें ना कि हम इनसे कुछ सीखें। बात ये है कि वो चाहते थे कि पूरे के पूरे हर एक चीज़ जैसा वो करते हैं वैसा हम करें। कल्चरल मिशन एक उनका एक मिशन था कि हाँ हम अपने कल्चर इनको दे देंगे, इनको मतलब एनी हाउ इनसे करवाना स्टार्ट कर देंगे। वॉट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज एंड मेड इन टू वॉट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, दे कंटिन्यूड टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स। कल्चरल डोमिनेशन वो चाहते थे। अब बात यह है, लेकिन उनको ऐसा क्या लगता था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा कल्चर बहुत पुराना है। अब हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, मैंने सबसे ऊपर लिखा है, वो ऐसा सोचते थे कि वी आर बैकवर्ड, वी इंडियंस आर बैकवर्ड, ब्रिटिश की ऐसी थॉट प्रोसेस थी, और देयर इज अ नीड टू चेंज इंडियन एजुकेशन। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्वड इन द लास्ट 200 ईयर्स। अब होता क्या है कि 1757 से 1947 तक 190 सालों का समय है। अब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था 1757 में, ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है, तो उस दौरान से 1947 तक 90 ईयर्स ब्रिटिशर्स का राज था,
अब जो हम अभी एजुकेशन सिस्टम अपना देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था, है ना, दूसरा था। अब धीरे धीरे इवॉल्व हो के कुछ चेंजेस हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आए, कुछ पुराने हटा दिए गए, ठीक है। तो मतलब बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है ये एजुकेशन सिस्टम पहले, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डिफरेंट था जितना अभी है, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो एजुकेशन सिस्टम हमारा उनसे बहुत अलग था, और हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे ही एजुकेशन सिस्टम जो पहले था उससे अभी अलग है, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम अलग था, और जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, काफ़ी चेंज हो गया है बजाय पहले के, ठीक है। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। नाम क्या लिखा है? विलियम जोन्स। 1783 में इनको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट का जज, जूनियर जज, ठीक है। अराइव्ड इन कलकत्ता, नाम ज़रूर याद रखना, विलियम जोन्स। इन एडिशन टू बींग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स हैड वॉज अ लिंग्विस्टिक। वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे, जज की उपाधि दी गई है तो वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते थे। वो कैसे जानते थे? एक्चुअली में क्या है, वो पढ़ते थे बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट, इंडियन लिटरेचर, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी इंडियन लिटरेचर तो पढ़ते ही थे, उन्हें क्या बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया था। वो क्या करते थे, जब भी उनके पास जाओ तो कोई मौलवी बैठा रहता था, कोई पंडित बैठा रहता था जो उन्हें संस्कृत का नॉलेज देता था, कोई उन्हें हिंदी का नॉलेज देता था। लिंग्विस्टिक मतलब वो एक से कई ज़्यादा भाषाएँ जानते थे। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम फ्रेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे उन्होंने सीखी, फ्रेंच एंड इंग्लिश सीखी, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से अरेबिक सीखी, एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्सियन, भी सीखी। एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट विद देम सबलेटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अब इधर पे क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहाँ से सीखा वो तो बताया। उन्होंने ये भी बोला कि अभी उनको देखते थे तो वो पंडित्स के पास बैठे रहते थे जहाँ पे वो संस्कृत सीखते थे। अब यहाँ पे लिखा है ना सबलिटिस, सबलिटिस मतलब होता है संस्कृत की बारीकियाँ सीखते थे, जैसे होता है ना इंग्लिश ग्रामर, उसके एकदम बेसिक रूल्स रेगुलेशंस, कहाँ पे क्या यूज़ होगा कहाँ पे नहीं, एकदम बेसिक चीज़ें, बारीक बारीक से अंतर, पंक्चुएशन मार्क्स, वो सब वो संस्कृत की चीज़ें सीखते थे। तो उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी थी, ग्रीक, लेटिन, ऑक्सफोर्ड में, फ्रेंच और इंग्लिश सीखी थी, फ्रेंच से अरेबिक सीखी थी, पर्सियन सीखी थी, और पंडित जी से वो क्या सीख रहे थे, संस्कृत लैंग्वेज। फिर यहाँ पर लिखा है ग्रामर एंड, वहाँ पर लिखा था संस्कृत ग्रामर एंड पोइट्री। सून ही वॉज स्टडीक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरेलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड दी अदर साइंस। तो देखिए मतलब इतनी सारी जो ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं ऊपर, इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसॉफी, सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट्स पर ही, वो भी इतने सारे इंडियन एस्पेक्ट्स पर वो पढ़ रहे थे उसे, ठीक है। दूसरी भाषाएं तो पढ़ ही रहे थे, जैसे पर्सियन आती थी, अरेबिक आती थी, उसके बाद सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी ये सब चीज़ें वो पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये जो थे ना जोन्स, जिनका नाम है विलियम जोन्स, ठीक है, अब ये क्या थे, ये ना इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। इनका क्या कहना था, ये इंडियन एजुकेशन को इसलिए प्रमोट कर रहे थे, इनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि इंडियन एजुकेशन सही है। अभी जो मैंने ये विलियम जोन्स बताया, ये इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। देखिए कुछ लोग इंडियन एजुकेशन के अगेंस्ट थे, देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स जैसा नहीं था, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग फेवर में थे, तो ये जो विलियम जोन्स है वो फेवर में थे, ठीक है। तो अब क्या था, इंडियन कल्चर के बारे में इन्हें जानना था, तो इन्होंने ये सब बुक्स रीड करना शुरू की। एक सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी के भी बारे में पता करना है तो हम पहले उसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी लेंगे, और इनको इंडिया के बारे में पता करना था तो इन्होंने इंडिया के बारे में इतनी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। प्रीवियस पेज में आपने देखा होगा ओरिएंटलिस्ट लिखा था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लिखा है ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म मतलब वो टाइम, ओरिएंटलिज्म मतलब पुराना समय, ओल्ड पीरियड, और ओरिएंटलिस्ट मतलब वो पर्सन जो उसको सपोर्ट करता है। तो ये जो सर विलियम जोन्स थे ये प्रमोट कर रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इसलिए इनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया है। ओरिएंटलिस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि पुराना एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, इंडिया के लिए, लेकिन ये इस बात को प्रमोट कर रहे थे, तो इनको भी ऐसा बोला गया कि आप भी बहुत ओरिएंटलिस्ट हो।
ठीक है, और वो जो पुराना समय था उसे बोलते थे द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, मतलब पुराना, मॉडर्न का अपोजिट होता है ओरिएंटलिज्म। फिर जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाई मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट दी टाइम। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथाइल हेलहेड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इन टू इंग्लिश। अब उसके बाद विलियम जोन्स को दो लोगों ने और ज्वाइन किया, क्योंकि उनका भी माइंड सेट इनके जैसा था। उनका नाम क्या था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथनाइल हेलहेड। ठीक है, ये लोग ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, डिस्कवर करना स्टार्ट किया। टुगेदर विथ देम जोन सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये तीनों ने मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक सोसाइटी बनाई। अब क्यों बनाई? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। इधर पर क्या होता था, यहाँ पर ये लोग इंडियन टेक्स्ट और लर्निंग को प्रमोट करते थे। कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। फिर उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की, ठीक है, जिसमें क्या लिखा रहता था, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि कैसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।